अस्सलाम रिम डियर स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस लीफ टाइप्स पिनेट लीफ एंड पॉलमेट लीफ तो फर्स्ट लेट अस लुक व्हाट आर व्हाट इज पिनेट लीफ लीफ को हम पिनेट तब बोलते हैं जिसमें क्या होता है द लीफ इन विच द डायरेक्शन ऑफ इंसिजन इन विच द डायरेक्शन ऑफ इंसिजन और कट इज फ्रॉम मार्जिनस टू द मिडरिप वो लीफ जहाँ पे जो इंसिजनस लीप के ब्लेड में लगे हैं या कट्स जो लगे हैं उनका जो डायरेक्शन होगा वो होगा फ्रॉम मार्जिन ऑफ लीप टूवर्ड्स मिडरिप ऑफ लीप ऐसे लीव्स को हम नाम बोलते हैं पिनेट और जो ये लीव्स होते हैं रिजम्बल फीदर इन आर्किटेक्चर। ये रिजम्बल करते हैं ये मिलते हैं फीदर के साथ अपने बीच में अब अगर इस लीप पे कट लगा अब जो कट जो है कट जो डायरेक्शन है मार्जिन से, से की यहां की ओर है यहां जिसमें दिखा है ये टिकोन वाला तो वेन डायरेक्शन ऑफ कट इज फ्रॉम मार्जिन यानी कट जो है वो यहां से यहाँ की ओर जा रहा है मार्जिन से मिड्रिप की ओर मार्जिन से मिड्रिप की ओर तो ऐसे लीव को हम नाम बोलते हैं पिनेट मैंने पहले बोला अगर आप फीदर को देखोगे उसके साथ रिजम्बल करता है इसका आर्किटेक्चर वहां पे जो डायरेक्शन ऑफ कट होता है इट इज आल्सो देर्ड फ्रॉम मार्जिन टूअर्ड्स मिडरिप तो ऐसे लीव का एग्जाम्पल है पेपावर का लीव या एकेशिया इवन मेमोसा या इवन रोज जो आप देखते हैं उसका भी ऐसा ही होता है सेकेंड लीव जो होता है सेकेंड टाइप जो हमने कहा वो है पॉलमेट लीव तो पॉलमेट लीव जो है ये वो लीव होते हैं लीव इन विच द डायरेक्शन ऑफ इंसिजन और कट इज फ्रॉम मार्जिनस टूवर्ड्स लीप बेस वो लीव जिसके ब्लेड पे जो कट होंगे जो इंसीजनज होंगे इनका जो डायरेक्शन है वो होगा फ्रॉम लीफ मार्जनस टूअर्ड्स लीफ बेस ये रिजेंबल करता है इट रिजेंबल हैंड इन आर्किटेक्चर अगर यहां देखोगे आप इस वाले लीफ को ये एक लीफ ब्लेड है ये इसके कई मीटर पर हमने दिखाया है मीटर ये भी ये भी मीटर, मीटर. अब जो कट है सपोज जो कट लगा है वो आ रहा है फ्रॉम मार्जिन टूअर्ड्स लीव के नीचे बेस, बेस की ओर कट यहां से यहां आ रहा है यहां से यहां जो डायरेक्शन ऑफ कट है वो अब ऊपर से कहा की ओर है नीचे की ओर यानी फ्रॉम मार्जिनस इट इज प्रोसीडिंग टूअर्ड्स लीफ बेसिकलीस ऑफ ली ब्लेड तो आप कहते हैं शॉर्ट में लीव बेस क्यूर वेन द डायरेक्शन ऑफ कट इज प्रोसीडिंग फ्रॉम लीव मार्जिनस टूअर्ड्स लीव बेस फ्रॉम मार्जिनस बेस तो ऐसे लीव उसको हम नाम बोलते हैं पॉलमेट जैसे मैंने पहले कहा अगर अपने हैंड को देखें हाथ की जो उंगलियां होती है वहां पे आप देखोगे जो डायरेक्शन ऑफ कट है वो आता है ऊपर से नीचे की ओर फ्रॉम मार्जिनस इट प्रोसीड टूअर्ड्स बेस ऑफ हैंड इन हैंड की तो वैसा ही होता है पॉलमेट लीफ में तो दिस इज पिनेट लीफ एंड पॉलिट लीफ शॉर्ट में याद रखना है इन पिनेट लीफ द डायरेक्शन ऑफ कट इज फ्रॉम मार्जिन मिड रिप वाइल इज एन पॉलमेट लीफ द डायरेक्शन ऑफ कट इज फ्रॉम मार्जिन टूअर्ड्स लीफ बेस अब आगे तो पॉलमेट लीफ का एग्जाम्पल है चिनार का लीफ या कैनाबेस जो बंग का प्लांट होता है उसके लीव्स देखो कि वहां ये पाया जाता है तो अब जो ये लीपनेट पिनेट हो पालमेट हो दे कैन बी सिंपल और कंपाउंड सिंपल कंपाउंड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो अगर सिंपल होगा सिंपल चाहे फिर पिनेट हो चाहे पालमेट हो सिंपल में हमें तीन टर्म से सामना पड़ता है एक है फिड एक है पार्टी एक है सेक्ट तो फिड हम कहते हैं जब इंसिज इंसिजन इज अपू हाफ ऑफ लीव पार्टी हम बोलते हैं जब कट जो होगा या जो इट्स अप टू मोर देन हाफ यानी हाफ से ज्यादा लीव ब्लेड को कट लगा है और सेक्ट में हम कहते हैं जो कट है वो लगा है अप टू नियर द रिप यानी रिप के नजदीक तक कट आया है या पिनेटली में ये होगा पालमेट लीफ में जो कट है वो आया होगा बेस के नजर तो हमने भी लिखा अप टू नियर रिप ओब्लीक बेस फिर जो ये तीन टर्म्स हैं फिड पार्टी और सेक्ट हमें हमने ऑलरेडी कहा टी की दो किस्में पिनेट और पॉलमेट तो हम प्रिफिक्स करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ कट हम कभी कहेंगे पिनेट फिड पिनेट पार्टी और पिनेट सेक्ट ऐसे हम कहेंगे पॉलमेट फिड पॉलमेट पार्टी पॉलमेट सेक्ट यानी डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ इंसिजन दीज टर्म्स फिड पार्टी एंड सेक्ट कैन बी परफेक्सड अप्रोप्रिएटली तो अब ये जो पिनेट और पॉलमेट है दे दे कैन कैन कंपाउंड कंपाउंड अब compound जो होंगे वहां पे फिर अलग टाइप्स निकलते हैं मैंने सिर्फ नाम लिखे हैं टाइप्स के कंपाउंड अगर पिनेट होगा तो पिनेट में इट कैन यूनिपिनेट जैसे रोज में होता है इटकेन बी बाई पिनेट जैसे मेमोसा में होता है या यूनिप्लेट का एक और एग्जाम्पल है जो आप देख सकते हो यहाँ पे एकेशिया में केंकर के प्लांट में देख लीजिए आप तो बाइपनेट जैसे मैंने का मेमोसा टमी नॉट का जो फ्लावर है ट्राइपिनेट हो सकता है मोरिंगा में या डी कंपाउंड जैसे कोरिंडर में हो सकता है या कैरट जो गाजर्स होते हैं हमारे घर में उनके प्लांट में हो सकता है तो लाइक वाइज जो पालमेट है पालमेट में जो डिफरेंट टाइप्स पाए जाते हैं पालमेट कंपाउंड की बात कर रहा हूं मैं तो देखिए यूनिफोलिएट लाइक साइट्रस बायफोलिएट हार्डविकिया इसका एग्जाम्पल है ट्राइफोलिएट तो इसका एग्जाम्पल है कॉर्ड्रीफोलियट ऑक्सैलिस इसका एग्जाम्पल है या मल्टीफोलिएट इसका एग्जाम्पल बॉम्बेक्स है तो जो ये टर्म्स है मैंने जस्ट यहाँ पे टर्म्स के नाम लिखने पे और एग्जाम्पल देने पे मैंने बस किया है मैंने रुका है और रुका है यहां पे तो आप इनको फर्दर स्टडीज अपने बुक से कर सकते हो तो ये इट ऑल रिगार्डिंग दिस पिनेटली ली बेसिक चीज समझना है पिनेट और पॉलमेट तो मुझे उम्मीद है आप समझ जाओगे इस लेक्चर uh, से पेनीट और पॉलमेट लीव क्या होता है बाकी रेस्ट वी विल प्रोसीड फर्दर इन नेक्स्ट लेक्चर टिल देन अल्लाह हाफिज